This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। बॉल टैम्परिंग, स्मिथ, वॉर्नर और बैनक्रॉफ्ट की छुट्टी, 24 घंटे में मिलेगी सजा। गेंद से छेड़खानी के मामले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कड़ा रवैया अपनाते हुए टेस्ट टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट को आरोपी बनाते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे टेस्ट की टीम से बाहर कर दिया। कुछ डेरेन लीमैन को इस मामले में क्लीन शीट दे दी गई है। सीए के सीईओ जेम्स सदरलैंड ने इन तीन खिलाड़ियों के अलावा बाकी टीम और कोच को क्लीन शीट देते हुए कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने साथ ही कहा कि मुख्य कोच डेरेन लीमैन ने अपने पद पर बने रहेंगे। सदरलैंड ने भी साथ बताया कि इन तीनों ही खिलाड़ियों के खिलाफ अगले 24 घंटे में सजा की घोषणा की जाएगी, इन्हें स्वदेश भेजा जाएगा। ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू रेंशो और जो बर्न्स इन तीन खिलाड़ियों की जगह टेस्ट टीम में लगेंगे, जबकि टीम पेन को 30 मार्च को हो रहे चौथे टेस्ट में टीम का कप्तान बनाया गया है। सदरलैंड में खचाखच भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये तीनों खिलाड़ी बुधवार को ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएंगे। रेंशो, मैक्सवेल और बर्न्स अगले 24 घंटे में दक्षिण अफ्रीका में पहुंच जाएंगे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक डेरेन लीमैन ने इस्तीफा नहीं दिया है, इस मामले की कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम तीनों खिलाड़ियों के मामले में महत्वपूर्ण सजा सुनाने की सोच रहे हैं, इससे घटना की गंभीरता और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को हुए नुकसान का पता चलेगा। सदरलैंड ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ियों को अनुशासन का पालन करना होगा जितना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए नियमों को ताक पर रखा नहीं जा सकता। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस क्लब चाहते हैं कि वो अपनी टीम पर गर्व करें। वर्तमान स्थिति में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए असाधारण रूप से बुरी है, ये ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए अच्छा नहीं है। स्मिथ और वॉर्नर पर आईपीएल और साल के आखिर में होने वाले भारत में ऑस्ट्रेलिया के दौरे से बाहर होने का भी खतरा मंडरा रहा है। सदरलैंड ने कहा कि अगले 24 घंटों में दोषियों के खिलाफ सजा की घोषणा की जा सकती है।